हेलो फ्रेंड्स, थ्रू दिस वीडियो वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे आया राम गया राम कानून कहा जाता है, उसको रोकने के लिए, उस फिनोमिना को, आया राम गया राम फिनोमिना, ये है क्या? पहले दो मिनट में ये समझते हैं कि ये है क्या, उस फिर पूरे लॉ को प्री प्लस मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से इसको समझते हैं, इसकी रेलेवेंस क्या है, पिछले साल में इसमें क्वेश्चंस क्या आ चुके हैं पिछले सालों में। एंटी डिफेक्शन लॉ बेसिकली बगावत जो लोग एमएलएज एमपीज इलेक्ट होने के बाद, सांसद और हमारे जो विधायक जन ये करते हैं बगावत एक पार्टी से, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से, जिस पार्टी की टिकट पे लड़के आते हैं इलेक्शन चुनाव जीतने के बाद, ये क्या करते हैं, दूसरी पार्टी से हाथ मिला लेते हैं। किस लालच पे हाथ मिलाते हैं? लालच ये होता है कि इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा, मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो विल बी गिवन टू देम, और एनी अदर कंसिडरेशन लाइक मनी चेंजेस हैंड्स और ये सब, द पार्टी विच वॉन्ट्स देम टू ज्वाइन देयर पार्टी ज्वाइन देम, दे गिव देम सर्टेन करोड़ ऑफ रुपीज और लैक्स ऑफ रुपीज एंड देन दे स्विच पोजिशंस, दीज MLAs एंड MPs। सो ये बेसिकली ये फिनोमिना था, इसको एंटी डिफेक्ट, इसको डिफेक्ट बोला जाता है, डिफेक्शन, कि ये लोग बगावत कर गए, ये जो धोखा कर गए अपनी पार्टी के साथ में। जैसे कोई पार्टी ए है, मान लो इफ द कैंडिडेट इलेक्टेड ऑन पार्टी ए, अगर कोई फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आता है, जैसे कि अभी के रिसेंट इलेक्शंस में हमने देखा कि गोवा में हो रहा है, मणिपुर में हो रहा है, तो क्या है कि 40 सीटें हैं गोवा में, 40 में से 17 एक पार्टी के पास में, 13 एक पार्टी के पास में, तो इसे फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट, फ्रैक्चर्ड मैंडेट बोला जाता है न्यूज़पेपर्स में, हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में। व्हाट इज इट बेसिकली, कि एक क्लियर कट मैंडेट नहीं है, जैसे कि किसी पार्टी को जैसे 100 में से 70 सीटें मिल गई, देन द पार्टी हैविंग 30 सीट्स कैन डू नथिंग, बट इन अ केस वेयर किसी पार्टी में, किसी इलेक्शन में किसी पार्टी को 100 में से 50 सीट्स मिली हैं और दूसरी पार्टी को 100 में से 50 सीट्स मिली हैं, तो दोनों को 50-50 मिल गई, ये एक मतलब 53-47 कह लो, तो इसमें खरीद फरोख्त का केस रहता है। जैसे पार्टी ए के एमएलए, जो 3 एमएलए हैं, वो अपनी पार्टी से कहेंगे, पार्टी ए से, कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाओ, मुझे होम मिनिस्टर बनाओ, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ मेरी स्टेट का, पार्लियामेंट का, नहीं तो मैं क्या करूँगा, कि दूसरी जो पार्टी है जिसको पार्टी बी बोलेंगे हम यहाँ पे, पार्टी बी में मैं जाके मिल जाऊँगा और जिनके पास में 47 सीट्स हैं वो तो मुझे होम मिनिस्टर बना रहे हैं, मुझे होम मिनिस्टर बनाओ, नहीं तो फिर मुझे 10 करोड़ रुपए दो, मुझे 20 करोड़ रुपए दो। दिस करप्शन यूज टू टेक हैंड्स 1960s के बाद में, ये फिनोमिना बहुत ज़्यादा हो गया था आफ्टर दी कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉस्ट इट्स डोमिनेंस ऑन लाइक मेजॉरिटी, जो पूरा एक वो होता था ना, स्वीप आता था पूरे कंट्री में, कि सारी स्टेट्स में कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। 1967 के बाद दिस स्वीप ऑफ कांग्रेस एंडेड एंड व्हाट हैपेंड, खरीद फरोख्त एमएलएस की शुरू होने लगी, जो पार्टी ऑपोजिशन पार्टीज थी वो ये करने लगी स्टेट्स में, तो दिस प्रॉब्लम रीच्ड क्राइसिस प्रोपोर्शन। क्या होता था कि हर आए 6 महीने, साल, 2 साल में सीएम जो होता था गवर्नमेंट का, उससे बार बार थ्रेटन किया जाता था कि गिव मी द मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो अदरवाइज आई विल रिजाइन फ्रॉम योर पार्टी। तो इसको कर्ब करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 में बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट लाया गया। इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, दिस पॉइंट इज रेलेवेंट फॉर प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू, इट वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट है यहाँ पे नॉट, एंड वाज ब्रॉट बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 बाय राजीव गांधी गवर्नमेंट। 52nd अमेंडमेंट बिल, जब ये एंटी डिफेक्शन बिल was passed by unanimous vote by both the houses of parliament, was a proof if any of the was a proof of maturity and stability of Indian democracy. These were the words of the then home minister. So jab ye bill pass ho raha tha, ek cheez yahan pe dhyan mein rakhni hogi, by anti defection law role of parties have been superseded, like a role of individual MPs and MLAs, legislatures have been superseded by the role of पार्टी को हमारे इसमें इंडियन पॉलिटी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी गई थ्रू दिस लॉ रादर देन द रोल ऑफ इंडिविजुअल MLAs और MPs। तो ये करना क्यों पड़ा, पार्टी में अगर बार बार बगावत ही MLAs MPs करेंगे तो सरकार चलेगी कैसे। इससे पहले पार्टी और इंडिविजुअल MLA दोनों की एक आम सहमति बनाई जाती थी, पार्टी कोई भी डिसीजन लेती थी तो MLAs MPs को एक उसमें कंसिडर, उनके व्यूज़ को कंसिडर किया जाता था। जो MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चयनित होकर आया है, हु इज़ बिन इलेक्टेड बाई हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी टू रिप्रेजेंट द इशूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, उस MP के व्यूज़ को MLA के व्यूज़ को एक इंपॉर्टेंस दी जाती थी पार्टीज में। बट आफ्टर दिस लॉ हैज़ बीन इनएक्टेड आफ्टर 15, 20, 30 ईयर्स, इसके लकूने, जो इसकी खामियां हैं वो ये दिखने लगी कि
जो पार्टीज थी वो एक यू नो हाई कमांड कल्चर पार्टीज में और ज़्यादा कंसोलिडेट होने लगा इसकी वजह से, जो 1967 के बाद जो थोड़ा चैलेंज हो गया था बिकॉज ऑफ इलेक्टोरल डिफीट ऑफ कांग्रेस इन वेरियस स्टेट्स 19 ये आगे चलते और उसमें कंसोलिडेट होता गया ये फिनोमिना, जो कांग्रेस का स्ट्रैंगल होल्ड कंट्री के ऊपर लूज होता गया, तो उसके चलते इंडिविजुअल एमएलए और एमपीज को एक तवज्जो दी जाती थी। लेकिन इस लॉ के आने के बाद पार्टी हाई कमान, पार्टी व्हिप और ये सब टर्मिनोलॉजी हम बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में देखते हैं, पार्टी व्हिप इशूड कि आज इस बिल पे वोट करना है, आज इस कानून पे जो पारित होने जा रहा है उस पे वोट नहीं करना है, उस पे एबसेंट रहना है, हम नहीं वोट करेंगे, हम हाँ वोट करेंगे, ये और नहीं, येस और नो, ये फिनोमिना बढ़ते गया। अब हैविंग दिस बैकग्राउंड इन आर माइंड, लेट्स प्रोसीड टू सी इन डिटेल व्हाट इज इट। लॉ क्रिएट्स प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ इलेक्टेड एमएलएज एमपीज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन टू एन अदर पॉलिटिकल पार्टी। एग्जांपल, इफ इलेक्टेड एमएलए एमपीज ऑफ पार्टी ए शिफ्ट टू पार्टी बी और वाइस वर्सा, पार्टी बी के पार्टी ए में भी आ सकते हैं। वट इज़ एंटी डिफेक्शन लॉ? बेसिकली ये 10th स्केड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट लेके आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, इसके जरिए ये एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एंटर हुआ। तो ये हम पहले देख चुके हैं, ईविल ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन को इरेडिकेट करने के लिए। वट आर द ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ? इफ़ एन इलेक्टेड मेंबर वॉलंटेरली अपनी मर्जी से उस पार्टी की मेंबरशिप छोड़ देता है जिस पार्टी से वो इलेक्ट होके आया है, इलेक्शन के बाद उसको स्पीकर डिसक्वालीफाई कर देगा कि वो अब मेंबर नहीं रहा है और उस पर बैन लगा दिया जाएगा 2 साल का, कि अब 2 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, ये सब। तो एक्सेप्ट दी स्पीकर का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर स्पीकर स्पीकर जो कोई मेंबर ही होता है, एमएलए एमपी होना चाहिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में एमएलए और लोकसभा के केस में एमपी होना चाहिए, तो जब इलेक्शन से पहले जो स्पीकर होता है वो मेंबर होता है ऑर्डिनरी, लेकिन जब वो स्पीकर इलेक्ट हो जाता है, कोई भी स्पीकर या मैम स्पीकर या जो भी हैं, वो जब इलेक्ट हो जाते हैं उसके बाद में वो अगर रिज़ाइन करते हैं तो वो डिसक्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन लॉ के परव्यू के अंदर और इसके प्रणाली के अंदर नहीं आते, तो वो रिज़ाइन कर सकते हैं एक्सेप्ट द स्पीकर। अगर प्रीलिम्स में कोई ट्रिकी क्वेश्चन डाला जाए तो जस्ट रिमेंबर, स्पीकर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर कवर नहीं होते। इफ़ ही वोट्स, पॉइंट बी, इफ़ ही वोट्स और एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, जैसे कि ओपोजिशन पार्टी ने कहा कि हमें इस बिल पे वोट नहीं करना, लेकिन वो गवर्नमेंट के कहने पे, गवर्नमेंट के फुसलाने पे कोई इंडिविजुअल एमपी या एमएलए अगर वोट करके आ जाता है तो पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को वो बिलोंग करता है, जिस पॉलिटिकल पार्टी से वो यू नो इलेक्ट होके आया है, उसकी जो पार्टी विप होगी, पार्टी विप एक पोजीशन होती है कि ये पार्टी विप है, जो ये विप इशू फरमान जो जारी करेगा पार्टी का जो अधिकारी है उसे पार्टी विप बोला जाता है। ये पार्टी का विप का मतलब फरमान मान लीजिए फॉर दी सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसके लिए ये विप इशू कर देगा। अगर पार्टी विप के खिलाफ कोई उसने कदम उठाया है इंडिविजुअल एमपी या एमएलए ने, जिस पार्टी से वो बिलोंग करता है उस पार्टी विप के कहने के बावजूद, तो वो पार्टी विप जो है, जो पार्टी विप यहाँ पे जो आदमी इंसान जो भी ऑफिशियल अथॉरिटी अधिकारी होगा, वो उसे डिस्क्वालीफाई करने के अथॉरिटी रखता है। इट इज़ द चेयर ऑफ द हाउस, चेयर ऑफ द हाउस यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है? लोकसभा के केस में स्पीकर और राज्यसभा के केस में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और लेजिस्लेटिव असेंबली के केस में स्पीकर अगेन। तो हु टेक्स द डिसीजन ऑन डिसक्वालिफिकेशन विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ में कॉन्करेंस नहीं होता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये नोटिफाई करना होता है कि अब इलेक्शन दोबारा होंगे और ये सब। तो स्पीकर ऑफ द हाउस इज द चेयर, मतलब यहाँ पे ट्रिब्यूनल का काम करता है स्पीकर ऑफ द हाउस और चेयर ऑफ द हाउस वाइस चेयरमैन, राज्यसभा के केस में चेयरमैन। तो एज अ प्री कंडीशन यहाँ पे क्या है कि फॉर हिज डिस्क्वालिफिकेशन हिज हर एब्सटेंशन फ्रॉम द वोटिंग शुड नॉट बी कंडोन्ड, मतलब जो पार्टी विप है, जो पार्टी जिस पार्टी के साथ में उस आदमी ने बगावत करी है, पार्टी के कहने पे वोट नहीं कराया है या उल्टी दिशा में वोट कर दिया है, हाँ बोला है तो ना कर दिया है, ना बोला है तो हाँ कर दिया है, या वो आया ही नहीं पार्टी ने जबकि बोला था कि आज आना जरूरी है, मेजोरिटी का जो फंडा होता है लोकसभा में राज्यसभा में, तो अगर 15 दिन के अंदर पार्टी विप के जो पार्टी के अधिकारी हैं अगर वो उसकी इस गलती को माफ नहीं करते हैं तो स्पीकर उस आदमी को, उस मेंबर को, इंडिविजुअल एमएलए एमपी को डिसक्वालीफाई करने की अथॉरिटी रखता है। स्पीकर उसे डिसक्वालीफाई कर सकता है, उससे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं किया। अगर उसने बोला कि मैं बीमार हो गया था या कोई इमरजेंसी थी तो स्पीकर उसे माफ़ कर सकता है, लेकिन स्पीकर फाइनल डिसीजन लेता है, पार्टी विप नहीं लेता है। सेलियंट प्रोविजन रिगार्डिंग टू एंटी डिफेक्शन लॉ, आर्टिकल 102 पार्लियामेंट के केस में, यूनियन गवर्नमेंट के केस में, 191 क्लॉज 2
deals with this thing. ये स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अभी आर्टिकल नंबर कैसे याद करने हैं ये मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताया था, हाउ टू रीड पॉलिटी, हाउ टू स्टडी पॉलिटी इफेक्टिवली, ये आर्टिकल नंबर के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं. सेकंड इज द इंटेंशन ऑफ प्रोविजन इज टू चेक करप्शन, हॉर्स ट्रेडिंग. हॉर्स ट्रेडिंग मतलब जैसे घोड़े पे दाव लगाया जाता है वैसे पार्लियामेंटेरियंस पे लेजिस्लेचर्स पे दाव लगाए जाते थे, इसलिए हॉर्स ट्रेडिंग बोला जाता है. टू चेक द पॉपुलर फिनोमेना आया राम गया राम इन द इंडियन पॉलिटी. तो ये एक इंडियन पॉलिटी विच स्टार्टेड इन 1960s जैसे मैंने बताया. नोट, प्लीज नोट यहाँ पे द इंटेंशन वाज नेवर टू ब्रिंग द स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट्स. इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं थी स्टेबिलिटी टू द गवर्नमेंट लानी है, इंटेंशन यहाँ पे ये था कि बस पार्टी ना गिरे हमारी और ये ठीक है. तो इसके बाद में द लॉ डिसअलाउज एमपीज टू स्विच पार्टीज आफ्टर इलेक्शंस, मेक द मेंबर्स फॉलो द व्हिप्स इशूड. व्हिप्स मतलब फरमान जो इशू करे गए हैं पार्टी के द्वारा उन्हें फॉलो करें. बट दिस डज नॉट अप्लाई टू प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस. प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस में कॉन्सेंशुअल वोट होता है, मतलब कि आपका कंसेंसस और कॉन्सेंशुअल जो बोला जाता है कंसियंस से आप अपनी वोट करते हैं. और मतलब यहाँ पे लेजिस्लेचर जो एमपीज़ हैं उन्हें छूट दी जाती है कि वो अपनी मर्जी से अपना राष्ट्रपति चुन सकते हैं. इसमें पार्टी विप नहीं चलती, पार्टी विप फिर भी एक इनफॉर्मल ऑर्डर इशू कर देते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट ये होगा. लेकिन अगर पार्टी के एमपी चाहें तो किसी और आदमी को वोट करके इलेक्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए बजाय कि पार्टी के ऑफिशियल कैंडिडेट को. ऐसा इंदिरा गांधी के राज में नीलम संजीवा रेड्डी वाले केस में हुआ था, जो लोग उससे अवगत हैं बहुत अच्छा, जो उससे नहीं वाकिफ़ हैं वो पुरानी किताबें खोल सकते हैं, एम लक्ष्मीकांत वगैरह में दे रखा है उसमें, तो वो पढ़ सकते हैं. इट ऑल्सो अप्लाइज टू अ नॉमिनेटेड मेंबर इफ ही शी जॉइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 months. नॉमिनेटेड मेंबर जो जैसे कि ऑनरेबल सचिन तेंदुलकर को मेंबर बना दिया राज्यसभा का या कोई भी, तो ही कैन जॉइन दैट पार्टी इफ ही एनी पार्टी इफ ही वॉन्ट्स टू. और ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टी का ज्वाइन करें जिस पार्टी ने उन्हें अपॉइंट करवाया, जो पार्टी गवर्नमेंट में है. किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं विद इन 6 months ओनली. विजय माल्या भी एक टाइम पे मेंबर थे, तो जिस पार्टी ने भी उन्हें चुना था वो अपनी मतलब जिस पार्टी के बेसिस पे सपोर्ट से वो नॉमिनेट होके आए थे वो उस पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं. तो आफ्टर 6 months अगर ये करेंगे तो फिर मतलब कुछ गड़बड़ी है ना, जो आपने आफ्टर 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद आपने ये निर्णय लिया कि आपको कोई पार्टी की एकदम से याद आई, तो उस टाइम पर ये वैलिड नहीं गिना जाएगा. टू एंड टू एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इफ ही ज्वाइंस, मतलब नॉमिनेटेड मेंबर तो 6 महीने के अंदर अंदर ज्वाइन कर सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट आदमी जो निर्दलीय विधायक जो निर्दलीय सांसद जीत के आया है वो इसमें कुछ नहीं कर सकता, उसे तो निर्दलीय ही रहना पड़ेगा. क्योंकि वो फिर अगर निर्दलीय आदमी कोई दल को ज्वाइन करता है तो वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी अपने वोटर्स के साथ में धोखा कर रहा है, तो वो इसलिए इसे ये किया गया है. इंडिपेंडेंट्स को इसलिए भी बाहर रखा गया, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतना, खड़े होना, इंडिपेंडेंटली इलेक्ट होके आना एक बहुत मुनाफे का सौदा माना जाता था एक टाइम पे, कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ अगर फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट आएगा, मतलब कि एक टूटी फूटी चुनाव का रिजल्ट आएगा कि जिसमें 50-50 सीटें दोनों को मिल गई हैं, आप 101वें आदमी हो तो आपको अच्छा दाम मिल जाएगा. इसीलिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को टोटली खत्म कर दिया गया. लेकिन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट that independent candidates cannot join any party even once. उसका खामियाजा ये है, उसका negative aspect ये है कि ये लोग support the government, they support the government from outside. तो जब voting होती है government के लिए तो they support the, मतलब कि कोई party को ये support कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है जो पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब पार्टी ना इन्होंने ज्वाइन करी ना कुछ, वो पार्टी की फेवर में वोट कराते हैं बस उसमें. तो वो पार्टी कहीं ना कहीं क्या करती है कि जिस पार्टी को इन्होंने सपोर्ट किया वो पार्टी हमेशा खतरे में रहती है कहीं ये पलटी नहीं मार जाए. तो जब भी नो कॉन्फिडेंस वोट दोबारा से होता है इन आदमियों को, ये आदमी फिर से मतलब कुछ लालच मांगते हैं पैसे और ये सब और वो सब, तो इसके चलते इसका एक खामियाजा ये भी है. इनिशियली द लॉ अलाउड डिफेक्शंस इफ इट इन्वॉल्व 1/3 मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. जैसे किसी पार्टी के 70 विधायक हैं, किसी विधायक या सांसद हैं लोकसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, राज्य की विधानसभा में, तो वो लोग व्हाट दे डू इज 1/3 उसमें से, जैसे 60 है मान लो, 60 में से अगर 20 पलटी मारते थे किसी और पार्टी को ज्वाइन करते थे तो उसे एंटी डिफेक्शन नहीं माना जाता था, उसे स्प्लिट माना जाता था कि पार्टी टूट गई. बट अनडिजायरेबली चलो ये था कि इट रिजल्टेड इन मास डिफेक्शंस इंसटेड ऑफ इंडिविजुअल डिफेक्शंस. तो इसे कहा जाता था कि होलसेल डिफेक्शंस तो अलाउड है लेकिन इंडिविजुअल अलाउड नहीं है. एक आइटम नहीं खरीद सकते हो, 20 आइटम खरीद सकते हो 60 में से, तो ये ऐसा कहा जाता था. और इसकी वजह से फिर जब कुछ ऐसा मतलब खामियाजा नज़र में आता है किसी कानून में तो रिफॉर्म आता है. सो हेंस द रिफॉर्म्स टू एंटी डिफेक्शन लॉ 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में किया गया,
द इशू ऑफ मास डिफेक्शंस, जिसे मास डिफेक्शन ये बोला जाता है कि 20 चले गए, मतलब एक तिहाई जा सकते हैं, तो उसके चलते वॉज रेमेडीड थ्रू 91st अमेंडमेंट एक्ट विच इंक्रीज द बार फ्रॉम 1/3 टू 2/3, बट द प्रॉब्लम स्टिल परसिस्ट इन स्मॉल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वेयर इट इज ईजियर टू गैदर नंबर्स. अब ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है कि मास डिफेक्शंस तो इसने बंद कर दिए एक तिहाई के, लेकिन सुपरा मास डिफेक्शन जो सुपर मास होते हैं जैसे 2/3 इसने अलाउ कर दिए, कि अब अगर किसी पार्टी के पास में 60 विधायक हैं तो अब अगर 60 में से 40 डिफेक्ट करते हैं, किसी और पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नई पार्टी बनाते हैं, तो उसे मर्जर माना जाएगा, मतलब उसे डिफेक्शन नहीं माना जाएगा. तो इसने क्या कर दिया, सुपर होलसेल जो है ना, पहले तो होलसेल में ले लो कि 60 हैं, एक नहीं मिलेगा 20 मिल जाएंगे. अब क्या है कि 60 हैं 20 नहीं मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा 40 मिलेंगे. 40 यदि एक साथ आप खरीद सकते, कोई पार्टी खरीद सकती है, तो उसको पूरी पूरी छूट है कि मतलब वो अपने मेंबर्स खरीद सकती है. अब दिक्कत यहाँ पे क्या है कि जो छोटी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं या जैसे छोटा स्टेट है गोवा, वहाँ पे 40 ही सीटें हैं, 60 ही सीटें हैं. उन स्टेट्स के केस में क्या हो रहा है कि 2/3 परसेंटेज मैटर नहीं करता है, मतलब यहाँ पे 66% मेंबर्स खरीदना मैटर नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे नंबर मैटर करता है कि अगर 60 एमएलए टोटल हैं किसी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के, तो 60 में से 30 या 43 एक, मतलब मान लो कि 30 एक पार्टी को मिले हुए हैं, 23 एक पार्टी को मिले हुए हैं, और 7 निर्दलीय हैं या 37 एक पार्टी को मिले हुए हैं. तो वहाँ पे कभी कभी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, 7 आदमी को 10-10 करोड़ देके या 5-5 करोड़ देके या एक मिनिस्टीरियल पोर्टफोलियो की लालच देके 30 लोगों में से, पार्टी के 30 लोग जो इलेक्टेड हैं, 37 लोग जो भी हैं गवर्नमेंट में, जो एमएलए हैं गवर्नमेंट के, उनमें से 37 में से मान लो कि 18 को तोड़ना बहुत आसान होता है, 11 को तोड़ना और भी आसान है, 12 को तोड़ना भी आसान है, तो वो 12 को खरीद लिया जाता है. अब 12 तो मिनिस्टर बना ही दिए जा सकते हैं, 12 को मिनिस्टर बना दिया जाता है, लेकिन जो पार्टी ओपोजिशन में जब थी वो, तो वो अपने 3 एमएलए बना देती है, जो चलो सरकार तो बनी एटलीस्ट. उसके चलते क्या है कि जिन स्टेट्स में तो 400-400 सीटें हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में है, उन स्टेट्स में तो एंटी डिफेक्शन लॉ अच्छे से काम कर रहा है कि वहाँ पे 100 एमएलए खरीदना बहुत मुश्किल है. लेकिन जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, 40 ही एमपी हैं, 40 ही एमएलए हैं, सॉरी उसमें 60 ही एमएलए हैं, तो उनमें से 15-20 खरीदना आसान रहता है अगर आपकी गवर्नमेंट नेशनल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट में, यूनियन में आपकी सरकार है, आपकी गवर्नमेंट है. तो उसमें किसी भी पार्टी की यदि यूनियन गवर्नमेंट है, तो वो उसके पास में, मतलब उसको परसुएड करना नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के एमएलएस को, यू नो, पुश करना, आर्म ट्विस्ट करना आसान रहता है, क्योंकि गवर्नर भी उस पार्टी का है, गवर्नर भी यूनियन गवर्नमेंट लगाती है इन अ वे, अगर डिफैक्टो देखा जाए तो. वट इज़ नॉट टू बी सीन एज एंटी डिफेक्शन, अ स्प्लिट इन अ पॉलिटिकल पार्टी वोंट बी कंसीडर्ड एज एंटी डिफेक्शन इफ अ कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पार्टी. कंप्लीट पॉलिटिकल पार्टी जैसे कि ये आंध्र प्रदेश में, यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में हुआ था, किसी एक्टर की पार्टी ने कांग्रेस की यूपीए मतलब गवर्नमेंट को ज्वाइन कर लिया था, मर्ज कर लिया था कांग्रेस के साथ में. ही वाज वंस अ फेमस एक्टर, मेरे को नाम नहीं याद है. तो दिस हैपेंस कि ये होलसेल मर्जर्स को, होलसेल डिफेक्शंस को ये वो नहीं मानता है. आफ्टर ऑल दैट इज ऑल्सो, यू नो, अ डिसलॉयल्टी टू द वोटर ना, कि अगर आप ऐसा कर रहे हो. तो दिस सेंस में ये इसकी कुछ कुछ खामियां हैं अभी भी लॉ में. इफ अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी इज क्रिएटेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ वन पार्टी, इलेक्टेड मेंबर्स बस वो 2/3 होने चाहिए. इफ ही और शी और अल्टरनेटिव मेंबर्स ऑफ द पार्टी हैव नॉट एक्सेप्टेड द मर्जर बिटवीन टू पार्टीज, कोई भी जो पहले वाली पार्टी के मेंबर्स थे, अगर कोई दो पार्टी के बीच में मर्जर हो गया, ऑप्टेड टू परफॉर्म अ सेपरेट ग्रुप फ्रॉम द टाइम ऑफ सच अ मर्जर, जो पार्टी बची कुची पार्टी है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शन भी है या उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, उन्होंने स्वीकार नहीं किया है पार्टी में जो स्प्लिट हुआ है, तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब एंटी डिफेक्शन लॉ के प्रोविजंस अट्रैक्ट नहीं करेंगे वो लोग जो पार्टी छोड़ के गए हैं. इस डिफेक्शन अंडर एंटी डिफेक्शन लॉ जुडिशियली रिव्यूएबल, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है. देखते हैं कैसे. स्पीकर चेयरमैन ऑफ द हाउस इज अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन डिफेक्शन केसेस, स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा और वाइस चेयरमैन इफ द स्पीकर चेयरमैन इज नॉट अवेलेबल. स्पीकर सिट्स एज अ ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल जब कोई बैठता है तो मतलब वो पावर्स होती हैं कि चेयर है ये, मतलब कानून के, मतलब अप्लाई कर रहा है किसी कानून को, तो उसे ट्रिब्यूनल बोला जाता है. व्हाइल डिसाइडिंग ऑन डिफेक्शन केसेस ऑल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू एनी क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ अ हाउस, मेंबर ऑफ अ हाउस अंडर दिस शेड्यूल आर डीम्ड टू बी द प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट. तो ये प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट मतलब जो भी प्रोसीडिंग्स हैं वो प्रोसीडिंग्स इन द पार्लियामेंट और इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट माना जाएगा.
तो जो स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, मतलब स्टेट जो इंडियन स्टेट है, किसी पर्टिकुलर छोटे राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट के तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। उस सेंस में ये बोला गया है, ना तो जुडिशरी लेजिस्लेचर में हस्तक्षेप करेगी, ना लेजिस्लेचर जुडिशरी में करेगी। तो उस सेंस में प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव ब्रांच है हमारी, उसकी यूनियन गवर्नमेंट की पार्लियामेंट, तो जुडिशरी उसमें इंटरफेयर नहीं करती, कर सकती, ये बोला गया। नो कोर्ट हैज एनी ज्यूरिसडिक्शन। हाउएवर क्योटो होलोन केस 1992 में हुआ था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम तो इसको रिव्यू करेंगे। स्पीकर का जो डिसीजन है वो जुडिशियल मतलब काम है, एक ट्रिब्यूनल का काम कर रहा है, तो मतलब जुडिशरी उसे रिव्यू करेगी, क्योंकि वो हमारे हमारे हिस्से का काम कर रहा है, जो इंडियन स्टेट ने जुडिशरी को जो हिस्सा दिया है वो काम परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए स्पीकर का डिसीजन जुडिशियली रिव्यूएबल है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हिस्सा जो कानून का था कि ये प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट में जुडिशरी हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं कर सकती, इसको अब मान्य करार दिया, इसको बोला कि ये अल्ट्रा वायस द कॉन्स्टिट्यूशन है, कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इट हेल्ड दैट देयर मे नॉट बी एनी जुडिशियल इंटरवेंशन अंटिल द प्रिसाइडिंग ऑफिसर गिव्स हिज ऑर्डर। जब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने, स्पीकर ने या चेयरमैन ने डिसीजन नहीं लिया, तब तक तो जुडिशरी कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। लेकिन जब स्पीकर ने एक बार डिसीजन ले लिया, उसके बाद में जुडिशरी में वो MLA जो भी अफेक्टेड हैं, जिन्हें मतलब डिसक्वालीफाई कर दिया है स्पीकर ने, वो जुडिशरी के पास में जा सकते हैं। UPSC 2013 में मेंस में क्वेश्चन ये आया था, द रोल ऑफ इंडिविजुअल MPs, MLAs हैज डिमिनिश्ड ओवर द इयर्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ हेल्दी कंस्ट्रक्टिव डिबेट्स ऑन पॉलिसी इश्यूज आर नॉट यूजुअली विटनेस्ड, हाउ फार कैन दिस बी एट्रीब्यूटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल MPs का, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में पहले पाँच दो तीन मिनट में ये बात करी थी कि इंडिविजुअल MPs के ऊपर पार्टीज़ को ज़्यादा तवज्जो दे दी गई, इंडिविजुअल MPs का रोल एंटी डिफेक्शन लॉ ने कम कर लिया, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पहले से ऐसा नहीं था। विच वॉज लेजिस्लेटेड बट विद अ डिफरेंट इंटेंशन, ये एंटी डिफेक्शन लॉ का इंटेंशन ये तो नहीं था कि इनका रोल ऑफ इंडिविजुअल MPs कम करना है और पार्टी विप और पार्टी के अधिकारियों की जो से है, जो कमांड है, जो अथॉरिटी है, उसे बढ़ाना है, ऐसा नहीं था। लेकिन द इशू वॉज एड्रेस्ड बाई द 5-judge कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन क्योटो होलोन एंड अदर्स। इट हेल्ड दैट लॉज डू नॉट वायलेट एनी ऑफ द राइट्स ऑफ द फ्रीडम्स ऑफ इंडिविजुअल MPs और द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो गेव प्रीमेसी मोर इंपॉर्टेंस टू पोलिटिकल पार्टीज ओवर इंडिविजुअल लेजिस्लेटर्स, तो इसका कोई वो नहीं पाया गया है समाधान। इंडिविजुअल MPs की इंपॉर्टेंस, जो मान्यता है उनके विचारों की, उनके व्यूज़ को कंसिडरेशन में लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इंडिविजुअल MPs बेसिकली वोट लेके आते हैं अपने अपने इलेक्टर्स से, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अपनी अपनी कार्यक्षेत्र से, तो जब उनके इंडिविजुअल वोटर्स का ही MPs अपने ध्यान नहीं रख पाएंगे, तो वो करने क्या गए हैं लोकसभा या राज्यसभा में, या फिर यो कह लो कि लेजिस्लेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है। हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इसके समाधान जटिल हैं, देखते हैं कि है क्या। इट अफेक्ट्स कंसर्न्स रेज्ड अगेंस्ट करंट एंटी डिफेक्शन लॉ बाय द इंडिविजुअल MPs MLAs, क्या है इंडिपेंडेंस ऑफ MPs MLAs, जैसे कि किसी MLA की कार्यक्षेत्र को, कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जहाँ से वो जीत के आया है, वहाँ के उसको कोई बिल जो एक्ट जो कानून बनाने जा रही है लोकसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, अगर उसके कार्य उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी को वो लॉ सूट नहीं करता है, तो वो लोग उसको फिर भी पार्टी विप के अनुसार उसमें वोट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड डिड नॉट इंटेंड टू गिव कंट्रोल ऑफ मेंबर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। इंटरेस्टिंगली इट इज़ द ओनली 10th स्केड्यूल विच वॉज इंक्लूडेड इन 1985। ये पार्टी विप का, चीफ विप का फिनोमिना जो इन्होंने डाल दिया, जिसके चलते जो पार्टी का अधिकारी कहेगा वही इनको करना पड़ेगा, वैसे इनको वोट करना पड़ेगा, अपनी आंख बंद करके, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ बिना देखे कि उस पर क्या असर पड़ता है, वोटर्स ने इन्हें वोट क्या सोच के दिया था और ये वहां पे जाके क्या कर रहे हैं। मैनी मेंबर्स स्पीक अप देयर माइंड एंड कन्विक्शन, कि मतलब जब कोई इंडिविजुअल मेंबर अपने अपने जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होता था कि अपनी सोच और समझ के अकॉर्डिंग वो लोग निर्णय लेते थे, डिसीजन लेते थे, तो अब ये ख़त्म हो गया है। डिस्कशन में भी कुछ बोल नहीं पाते हैं वो लोग, डिबेट अगर वो लोग अगेंस्ट करते हैं तो पार्टी विप उनको नोटिस थमा देता है, पार्टी के अधिकारी, आला कमान और वो सब उन्हें नोटिस थमा देते हैं। अब डिबेट्स भी ख़त्म हो गई हैं, अब हर MP को, हर MLA को जो बिल पार्टी लेके आ रही है, बस उसे उसे सपोर्ट करना है आँखें बंद करके और उसे वोट करना है आँखें बंद करके।
In a diverse country like India, members also represent their constituencies, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया है. No incentive for MPs, MLAs to research and understand on policies. मतलब जब वो उसे वोट ही उसी डायरेक्शन में करना है तो वो रिसर्च क्यों करे और मतलब डिस्कस क्यों करे. तो एक यू नो यूनिफॉर्म सा एक यूनि डायरेक्शनल तरीका हो गया कि बस जो पार्टी बोलेगी वही करना पड़ेगा. Reforms that can be made into anti-defection law, ये बहुत सारी committees ने कहा. Nowadays, no real democratic discussions happen inside political parties about major issues affecting the country. Individual MPs and MLAs need to be empowered to think independently. तो ये anti-defection law उन्हें ऐसा करने से रोकता है. सोच के फायदा ही क्या है जब वोट ही पार्टी के कहने पे करना है. Anti-defection law should be applied only to confidence and no confidence motions. ये दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था. इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे ये बहुत अच्छी कमेटी है. इन्होंने स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन पे भी बात करी है, जिसपे एक सेपरेट वीडियो बना दिया गया है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं. तो anti-defection law should be applied only to confidence. मतलब जब सरकार गिराने की बात हो या सरकार उठाने की, सरकार तय करने की बात हो, तभी anti-defection law के provisions, तभी MPs और MLAs को ये बोला जाना चाहिए कि पार्टी के फेवर में वेट करो, वरना इंडिविजुअल बिल्स वगैरह पे ये नहीं बोला जाना चाहिए. ओनली वेन द गवर्नमेंट इज इन डेंजर. देखा, तो लॉ कमीशन ने ये बात 170th रिपोर्ट में बोली थी 1999 में. द रैशनल दैट अ रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टीज प्रोग्राम. ये इन्होंने बोला कि ये कहना कि एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपनी पार्टी के प्रोग्राम, पार्टी के इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखते ध्यान में रखते हुए इलेक्शन जीत के आया है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है. और ये दिस थिंग कैन बी एक्सटेंडेड टू प्री पोल अलायंसेज. मतलब प्री पोल अलायंस जो बनेगी वो उस पर भी ये लागू होना चाहिए. अभी आपकी समझ के लिए थोड़ा अभी बाद में इस पर बात करेंगे. प्री पोल अलायंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में, इंस्टेड ऑफ मेकिंग स्पीकर द अथॉरिटी फॉर डिस्क्वालिफिकेशन, द डिसीजन शुड बी मेड बाय द प्रेसिडेंट और दी गवर्नर. इन्होंने बोला कि स्पीकर तो एक पॉलिटिकल पार्टी से आता है पर्टिकुलर, तो स्पीकर के जो डिसीजन है, जो निर्णय है, वो थोड़े क्लाउडेड हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज ओन पार्टी, हिज और हर ओन पार्टी पॉलिटिकल पार्टी अफिलिएशंस. तो उसको ध्यान में रखते हुए ये जो ट्रिब्यूनल वाला फंक्शन है कि उनकी डिसक्वालिफिकेशन एमपीज और एमएलएज की तय करने का, ये गवर्नर और प्रेसिडेंट को, स्टेट में गवर्नर को, कंट्री में प्रेसिडेंट को, लोकसभा के केस में प्रेसिडेंट को दे दिया जाना चाहिए ऑन द एडवाइस ऑफ इलेक्शन कमीशन. दिस वुड मेक द प्रोसेस सिमिलर टू द डिसक्वालिफिकेशन प्रोसीजर एज गिवन इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसकी की ये RPA की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखता है. देयर कैन बी एडिशनल पेनाल्टीज फॉर डिफेक्टर्स एज वेल. तो ये सुझाव है इसके लिए कि इंडिविजुअल MPs का रोल भी उसमें डाल दिया जाए. गाइज, इफ यू लाइक माई दीज वीडियोज प्लीज लेट मी नो थ्रू योर फीडबैक एट भावुक, ये रहे तो चलो, बैटमैन फाइट्स बैक @gmail.com. सो जस्ट लेट मी नो कि इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, बैटमैन फाइट्स बैक @gmail.com. और बिलो दी यूट्यूब वीडियोज़ आप कमेंट देके मुझे लेट मी नो कि वेदर दीज आर ऑफ एनी रेलिवेंस टू यू, और इफ़ यू लाइक देम, इफ़ यू वॉन्ट टू मी टू क्रिएट एनी अदर वीडियो और एनी अदर इशू. थैंक यू गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो.